आज हम आप सब के लिए सेवई उपमा बनाने जा रही हूँ। सेवई को आधा चम्मच धारा में ब्राउन होने तक भून लिया, फिर इसको गर्म पानी में उबाल लिया। नमक डालकर, थोड़ा नमक इसमें भी डालें, थोड़ा बाद में देंगे। इनको बनाने के लिए सामग्री, बारीक कटी हुई एक प्याज, मीडियम साइज का एक टमाटर, दो बीन्स, एक हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, एक मीडियम साइज का टमाटर, ये हम सबके आप लोग के सामने एक चम्मच धरा में, फिर इसको सबको मैं भून लूंगी। कढ़ाई में पहले हम प्याज को ब्राउन होने तक भून लूंगी। ब्राउन होने के बाद इसमें हम हरा बीन्स, टमाटर, हरी मिर्च सब डाल के आधा चम्मच स्वाद अनुसार नमक डाल के फिर इसको हम थोड़ा देर चलाएंगे। आप गाजर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी गाजर नहीं डालूंगी। अभी लॉकडाउन का समय है, कुछ सामान मिलता है कुछ नहीं मिलता है, फिर भी मैं इस सब सामान देके स्वादिष्ट उपमा बनाने जा रही हूँ। अब मैं इसमें उपमा को डाल रही हूँ। दो कप सेवई का उपमा, दो कप सेवई। धीरे धीरे इसको सब मिला लीजिए। खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। आप मिला भी सकते हैं, नहीं भी मिला सकते हैं। मैं हल्का हल्दी मिलाई हूँ कलर के लिए, देखने में अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत हेल्दी और स्वादिष्ट है। जरूर बना के खाइए। अब मैं ऊपर से धनिया पत्ती मिला रही हूँ। उपमा बनके तैयार। इसमें हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा केचप डालेंगे।